अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राफिया शिरीन है। मैं रोशनी एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की प्रेसिडेंट हूँ। हाल ही में जो ट्रिपल तलाक का बिल लोकसभा में मोदी गवर्नमेंट ने पास किया है, तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं कहना चाहती हूँ कि आप हम मुस्लिम खवातीन की हमदर्दी का नाटक करने का ढोंग बंद करें। अगर सच में आप हम मुस्लिम खवातीन की इतनी फिक्र करते हैं, तो हमारे एजुकेशन, हमारे एम्पावरमेंट, हमारे रोज़गार, हमारे डेवलपमेंट के बारे में सोचिए। रही बात ट्रिपल तलाक की, ये हमारे शरीयत का मसला है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले हम इस मसले से आज़ाद कराया है, और जो हमारे अधिकार है हमारे दीन और शरीयत ने दिए हैं, ना इससे पहले कोई दे सकता था ना कोई देगा, और उस अधिकार को छीनने का एक टूल है मुस्लिम वुमेन बिल 2017। ये मुस्लिम वुमेन बिल 2017 को जो लोकसभा में पास किया गया है, अभी ये राज्यसभा में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहना चाहती हूँ, आपकी धर्म पत्नी जसोदा बेन को पहले आप इंसाफ दिलाइए। जो इंसान अपने घर का फैसला नहीं कर सकता, वो देश का फैसला क्या करेगा? और विकास की तो बड़े बड़े बातें करते थे मोदी जी, आप विकास का तो कुछ हो नहीं सका, और आप वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो हर कंट्री घूम कर हमारे देश का पैसा दबाव बर्बाद किए हैं। और मैं लास्ट में यही कहना चाहती हूँ, ट्रिपल तलाक का जो बिल आप लोकसभा में पास कराइए या राज्यसभा में पास कराइए, लेकिन हम मुस्लिम खवातीन इस बिल को नहीं मानेंगे।